नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी चर्चाओं में। ये फिल्म देश में शुरुआत से ही लोगों का विरोध झेल रही। रिलीज से पहले ही विवादों में रही इस फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। पहले दिन से ही देश में ये फिल्म काफी धीमी रफ्तार से कमाई कर रही। हालांकि विदेश में इस फिल्म को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि हाल ही में सामने आए फिल्म के विदेश में हुए कलेक्शन के आंकड़े कह रहे हैं। दरअसल इस फिल्म ने विदेश में अच्छा खासा कारोबार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म जहां 14 दिन में 60 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, तो वहीं दूसरी तरफ विदेश में फिल्म की कमाई में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस फिल्म को विदेश में इतना पसंद किया जा रहा है कि लाल सिंह चड्ढा दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक खास रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी। दरअसल आमिर खान की ये फिल्म अब इंटरनेशनल मार्केट में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने जहां 14 दिनों में देश भर में सिर्फ 58.11 करोड़ की कमाई की, तो वहीं विदेश में फिल्म ने अब तक 59 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। इतना ही नहीं, फिल्म ने ओवरसीज कमाई के मामले में इस साल की ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स और भूल भुलैया 2 गंगूबाई काठियावाड़ी को भी पीछे छोड़ दिया। 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा शुरुआत से ही देश में धीमी रफ्तार से कमाई कर रही। शुरुआत में करोड़ों में कमाई करने वाली ये फिल्म अब देश में लाखों का कारोबार ही कर पा रही। ऐसे में अब देश में फिल्म के प्रदर्शन को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म को भारतीय जनता ने सिरे से नकार दिया। हालांकि विदेश में हुई इसकी कमाई के बाद अब ये कहा जा सकता है कि फिल्म के पास फ्लॉप होने से बचने का एक और मौका है। लाल सिंह चड्ढा को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 180 करोड़ आंकड़ा पार करना। फिल्म अभी तक वर्ल्ड वाइड 116 करोड़ तो कमा ही चुकी। ऐसे में 180 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म को लॉस से बचने के लिए अभी 64 करोड़ रुपए की कमाई और करनी होगी। लेकिन अब थिएटर्स पर नई नई फिल्में रिलीज हो रही हैं। ऐसे में अब यह आंकड़ा पार करना फिल्म के लिए मुश्किल। बता दें कि रिलीज से पहले ही इस फिल्म का ट्विटर पर बॉयकॉट शुरू हो गया था, जिसकी वजह से लोग ये फिल्म देखने थिएटर नहीं गए। वहीं फिल्म के रिलीज के बाद लोग विरोध में सड़क पर उतर आए। थिएटर्स के बाहर आकर फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवाई गई। आमिर की फिल्म का ये हाल उनके पुराने बयानों की वजह से हुआ। कुछ सालों पहले आमिर ने कहा था कि उनकी एक्स वाइफ किरण राव को भारत में डर लगता है। आमिर का ये बयान हिंदुओं को इस कदर नागवार गुजरा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिट गई। वहीं दूसरी तरफ पीके में भगवान शिव का मजाक उड़ाने की कीमत भी आमिर खान को चुकानी पड़ रही। वहीं विदेशों में अच्छी कमाई देख रोते बिलखते आमिर खान को थोड़ी खुशी जरूर मिली होगी।